News 18, India. पवन पवन मेरे पास आओ ना, मैं तुम्हारे पास बुला रहा हूँ। हाँ जी। अरे सर, मैं ये आम आदमी के पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, ये गूगल पे दिखा रहे हैं, ये सारी चीजें सही हैं। ये बताइए, हम लोग अभी जब इनसे पूछते हैं कि केजरीवाल जी ने बहुत सारी कस्में खाई थी और गूगल पे दिखाते हैं, तो उससे मुकर क्यों जाते हैं? ठीक है, पुरानी बात है, पुरानी बात का जिक्र कर रहे हैं। पाजी कह रहे हैं वक्त हो गया, शायद ब्रेक का भी दो तीन मिनट हैं। जी, बीजेपी अंदर ने कांग्रेस जी। हाँ जी, पर पंजाब सरकार ने 2022 में यह वादा किया अरविंद केजरीवाल ने, एक एक दाना हम एमएसपी पे खरीदेंगे। आज पंजाब में जब किसान इनसे पूछने रहे कि हमारा अन्न कहाँ है, हमारा अनाज खरीदो, तो किसानों का एक नया गुट खड़ा किया गया जो पिछले बार आंदोलन में नहीं थे। अब समझिए केस को कि पुराने जो किसान आंदोलन थे उसके कोई नहीं थे, नए आंदोलन को खड़ा करके दिल्ली भेज दिया गया क्योंकि इनसे सवाल ना पूछा जाए। देखो भाई, अगर आप बात कर रहे हैं तो वो जायज है फिर, पर बात से ही सोल्यूशन निकालना। मैं यार देखिए, आपकी तरह मैं नहीं करता भाई। मैं आराम नहीं देखिए। हरियाणा में 14 क्रॉप के ऊपर एमएसपी दी जा रही है और पंजाब में एक ही क्यों? इसका जवाब देना आम आदमी पार्टी कि एमएसपी तो वो भी स्टेट दे सकता है ना, केवल एक फसल पे दे रहे हैं और हरियाणा में 14। आप करिए, देखिए आपका केवल जवाब है खाली नेतागिरी करनी है, वहां से इकट्ठा करके लोगों को बॉर्डर पे दे दिया है। जो भी समस्या है वो बातचीत में हो सकती है, पर बातचीत में यदि बातचीत करनी है तो, पर यदि आप पोर्टलैंड तरीका होना चाहिए बात का। जी आया चंद मिश्रा जी, ये कैनॉट प्लेस में आप बहस में आपका स्वागत है जी। आपको आपको परमिशन मिली हुई है यहाँ डिबेट करने के लिए, लेकिन 144 धारा जो है किसानों के लिए लगी। तो मैं अपनी आपकी बात अगर देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए आपने क्योंकि मेरी परमिशन पे पूछ लिया, मैं तो कितना उतावला था, मेरी भी आवाज बंद कर दीजिए। नहीं, सरकार नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं सरकार कर रही है। मैं आपकी बात को, और मैंने यहां से शुरू किया था इनसे, क्या नाम है आपका? उमेश बाबू से शुरू किया था। 40 बीघा खेती है, गुलाब उगाते थे और वहां से उन्होंने अपनी बात शुरू की थी कि आप 10 बीघा उगाते हैं, 30 बीघा नहीं उगा पाते, वहां से बात शुरू की थी। और अगर मैं कर रहा हूं तो परमिशन के साथ कर रहा हूं। नाउ प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि किसान भी तो इस देश के नागरिक हैं। बिल्कुल हैं। तो उनको भी तो आंदोलन, लेकिन मैं देखिए, मैं शिवेंदु, लेकिन मैं जब यहां आता हूं तो एक डिसिप्लिन के साथ आता हूं। एक तरीका है बात करने का, आप हमारे घर आए मैं आपके घर जाऊं, एक तरीका है। चढ़ाई नहीं करना है, युद्ध नहीं करना है मुझे। दीवारें किसने खड़ी करी? दीवार तो पहले, दीवार तब खड़ी की जाती है जब आपका इंटेंशन हमें पता हो जाए। सवाल करनी चाहिए, एमएसपी की गारंटी दे देनी चाहिए थी। खिलाफी किसने की? मैं कहता हूँ एमएसपी की गारंटी दे देनी चाहिए, मैं कह देता हूँ कि एमएसपी की गारंटी दे देनी चाहिए। आपकी सरकार कह रही है अगर हम बनाएंगे, कांग्रेस तो वो कहती है कि हम गारंटी देंगे, लेकिन मुझे ये बताया जाए जो सवाल आईटी वाले का था या जिस शख्स का था कि वो जो भार है उसका वितरण कैसे होगा, ये जरूर बताया जाए। मैं जरूर आऊंगा आपके पास। जैसे मनमोहन सरकार के समय मोदी साहब के दूध पीते बच्चे थे, दो सवाल पूछ रहे थे, तब उनको समझ नहीं थी, तब उनको पूछना चाहिए था, दिमाग लगाना चाहिए था। ऐसा नहीं था, वो रिपोर्ट 2006 में आई और इसके बाद इन्होंने सरकार चलाई 2013 तक। क्यों नहीं लगाया आपने? आपको लगाना चाहिए था एमएसपी पे। अरे आप उधर से आ रही थी श्रीनगर से तो थोड़ी ठंडी हवा लेती आती, उधर से जब आ रही थी तो थोड़ा सा केसर भी लेती आती। बहुत बहुत शुक्रिया, क्या नाम है तुम्हारा? अजहा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बहस का आप तो भी पूछ ले, परेशान थे क्या? हाजमा बिगड़ गया था, इतने दिन नहीं आ रहे थे यहाँ, कई लोगों का हाजमा बिगड़ गया, मैं नहीं आया। नीति जी मैं आता हूँ, वक्त थोड़े से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो जस्टिस फॉर किंतन से बात शुरू करूंगा। वक्त थोड़े से ब्रेक